चूखा ताला मंगदेछू जल विद्युत संयंत्र जैसी परियोजनाएं दोनों देशों की सफलता की परिचायक। द नेशनल ड्रेस ऑफ भूटान इज कॉल्ड द गो विच मेन वेयर। इट्स अ नी लेंथ रोब somewhat resembling a kimono that is tied at the waist by a traditional belt known as kera. We are seeing the culture and traditions of India and of our guests. Mauritius ki yahan par Pravind Kumar Jagannauth ka aagman hota hua Mauritius bhi Bharat ka mahatvapurna saajhidar raha hai। भारत ने औपचारिक रूप से 1948 में राजनयिक संबंध बनाए थे और तब से लेकर आज तक संबंधों की एक नई पटकथा मॉरिशस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में भी लिखी गई है। एक एक करके यहां पर हमारे विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति श्रीमती शेख हसीना और उनके साथ उनकी सुपुत्री। भारत के पड़ोसी और भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों की एक नई उड़ान, नई ऊंचाई। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर अ डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इंडिया वाज द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एंड एस्टैब्लिश डिप्लोमैटिक रिलेशंस immediately after its independence in December 1971. India and Bangladesh share the longest land boundary that India shares with any of its neighbors, and Prime Minister Sheikh Hasina and Mr. Modi have shared many friendly meetings where they have promised to cooperate with each other on various subjects. Jasleen, as you rightly said, India and Bangladesh share bonds of history, language, culture and multitude of other commonalities. The Sonali Adhyay or golden chapter of bilateral ties continues with both sides maintaining close engagement in diverse areas, including at the highest level. She is also the longest serving female PM in the world. Mallikarjun Kharge, Congress ke Rashtriya Adhyaksh, इस समारोह में शामिल। और बांग्लादेश की बात करें तो पिछले वर्ष यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन जो बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर आज के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत के पड़ोसियों के बीच भी आपस में ये भेंटवार्ता, इस अनौपचारिक और कुछ कुछ औपचारिक माहौल में एक बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़े स्तर पर जब देश के हर कोने से यहां पर नामचीन हस्तियां और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग मौजूद, गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से शोभा बढ़ती हुई इस समारोह की, और मंच पर वो चर्चित और महत्वपूर्ण चेहरे, और इस समय आगमन हो रहा है सेशेल्स के उपराष्ट्रपति श्री अहमद आफिफ का। डिप्लोमैटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड सेशेल्स हैव एग्जिस्टेड since Seychelles gained independence in 1976. Seychelles and India have a balance of trade in areas of tourism, fishing, petroleum, exploration, communications and IT, computer education and pharmaceuticals, which have been identified as areas of economic cooperation between the two countries. भारत द्वारा सेशल्स में अब तक 29 से अधिक योजनाएं शुरू की गई हैं। इस बीच अतिथियों का आगमन लगातार जारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस
चंद्रचूड़ का आगमन और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना दास